फिर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, तोहफा मिला नमाज का। अब सारी तो माशाल्लाह लोगों ने बता दिया है तो फिर उसको रिपीट नहीं करते। नमाज का तोहफा मिला, नमाज का तोहफा लेके वापस आए। वो पहली बात जो शुरू करे थे अपन कि कंडीशन क्या थी, वो है तू अगर कायम रहा तो देख लोगे। अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और दीदार भी फरमाया। सूरह नजम में पूरा वाकया है, अब इंशाल्लाह अपन कुरान से अपन समझेंगे। मुलाकात हुई, दीदार हुआ, इदराक नहीं। इदराक और दीदार बहुत फर्क है। आसमान का अपन क्या करते, दीदार, इदराक नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है, स्काइज अनलिमिटेड। अल्लाह ताला का भी इदराक नहीं कर सकते, मगर क्या कर सकते, दीदार कर सकते। अल्लाह ताला का दीदार हुआ, अल्लाह से कलाम हुआ, राज की बातें हुई। अल्लाह ने जो जो अपने नबी को अता फरमाया वो राज में ही है। और जो हमें हदीस में मिला है वो बता रहे, नमाज मिली, सूरह बकरा की आखिरी 27 आयतें मिली, और एक रिवायत में आता है सूरह फातिहा मक्के में भी नाजिल हुई है, सूरह फातिहा आसमानों पर भी मिली है मेराज की रात में। ये भी रिवायत है कि सूरह फातिहा भी मेराज की रात को भी वहाँ पर अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और इल्म गैब अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और उम्मत की बख्शिश की खुशखबरी भी सुना दी कि हम आपको राजी कर दें। उम्मत की बख्शिश के लिए हम आपको राजी रखेंगे, नाराज नहीं रखेंगे, जितनों को बोलेंगे बख्श देंगे। अब जो है ना नमाज के तौर, कितने 50 नमाजें लेके वापस है। अब मूसा अलैहिस्सलाम छठवें आसन पे, या रसूलल्लाह क्या मिला, 50 नमाज बहुत ज्यादा है, ये लोग नहीं पढ़ सकते, मेरी उम्मत वो लोग नहीं पढ़ी, ये लोग अभी नहीं पढ़ती, या रसूलल्लाह कम कराइए। अब मैं अपने अंदाज से बोल रहा हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम कराई। अल्लाह ताला ने एक बार बुलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना देखे, छठे आसमान में, फिर सातवां आसमान है, फिर सिद्दतुल मुंतहा है, फिर रफरफ है, फिर उसके आगे का सफर है। छठा आसमान पे मूसा अलैहि सलाम है, हदीसों में देख ले आप, छठे आसमान पे मूसा अलैहि सलाम, फिर सातवां आसमान अलग है, सिद्दतुल मुंतहा उसके आगे है, उसके बाद रफरफ की इंतहा है, उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद सैर फरमाया है, फिर वापस गए। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर। अब अल्लाह ताला भी देखे, अल्लाह ताला को मालूम नहीं है 5 पढ़ते लगा बोल के 5 फर्ज करना है मेरे को बोल के, अब कही को भाई 5 क्यों कम कर रहे। अब कोई चीज ऐसा हुआ तो हिकमत है थी उसके अंदर। अब बोले नहीं नहीं ऐसा हुआ था तो इसके मतलब ये है कि नबी को इल्म का गैब, इल्म गैब नहीं, क्योंकि अल्लाह को नहीं मालूम। 50 देने के बाद मूसा अलैहि सलाम बोलते तो 5 ही लेके जाओ बोल के दे दिए तो हो गया ना, फिर 5 क्यों हुए, 50 क्यों हुए, फिर 5 क्यों हुए, ये अपनी तरफ से अपन खुद इंटरप्रिटेट करके अपन ही डिसीजन निकाल लेते, इसका खुद से सोच लेते, तो ये गुमराही। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 ले वापस आए। अब मूसा अलैहि सलाम तो कम करा रहे हैं, हमारा फायदा तो कर रहे हैं, अपना फायदा भी कर ले रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की दुआ कबूल भी कर दी। दुआ क्या थी, बोला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मूसा अलैहि सलाम क्या बोले, वो है तू और बरकरार रहा तो देख लोगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बरकरार है, और नबी कैसे ना अपने लिबास मुबारक के साथ गए। वे जो लिबास मुबारक मक्के में जो आप पहनते थे वो लिबास मुबारक के साथ गए, लिबास भी बरकरार है, आप भी बरकरार है, और दीदार अल्लाह का करके आ रहे हैं। और एक बार नहीं, फिर गए 45, फिर मूसा अलैहि सलाम बहुत ज्यादा है 40, 5 कम हो गई, बोले ये भी ज्यादा है या रसूलल्लाह, फिर कम कराई। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह का वादा है ना, एक रुपया खर्च करोगे तो 10 गुना देंगे, अल्लाह ताला का वादा। एक बार दुआ मांगे तो 10 बार दीदार करा दिए अल्लाह ताला। एक बार दुआ मांगे तो बोला रब्बी अरनी, बोला दीदार करा, बोले लन तरानी, मगर बाद में कराता हूँ, यहाँ नहीं कर सकते उधर कराते, उधर करा रहे किसके तर किसके सदक़े में करा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला की तजल्लियों का दीदार हो रहा है। 5 हो गए, 5 होने के बाद भी मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये भी ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाश, मुझे हया आती है, और आपको क्या डर था कि 5 से कम हो रही, अस्सलातुल मेराजुल मोमिनीन है, ये मेरी उम्मत का तोहफा है, वापस जाऊंगा 0 बोले तो अल्लाह की मर्जी है, 5 करके कम हो रही है, अब फिर 5 ही रह गई है, 5 बोल के ठीक है नहीं पढ़ते तो रहने दो बोले तो नहीं पढ़ते ठीक है आपकी उम्मत नहीं पढ़ती तो रहने दो बोले तो मुझे हया आ रही है, मैं नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लेके आए। अब वही बात कि जंजीर हिल रही है, पानी जा रही है।